सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू दिस अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये कानपुर स्टेट की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 1966 में, और कैंपस की बात करते हैं तो ये 270 एकर्स में फैला हुआ है, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को बहुत ही वेल मेंटेन देखने को मिलता है। यानी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही लश और ग्रीन एनवायरमेंट्स हैं, बहुत ढेर सारे मतलब पेड़ वगैरह हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सारे 4 ईयर्स की फीस की। सो फ्रेंड्स, हम लोग की सारे 4 ईयर्स की फीस यहाँ पर रहेगी अराउंड 3.5 लाख। ओके, एंड बाकी अगर आप हॉस्टल और मैस भी उसमें इंक्लूड करना चाहते हो तो 2.2 लाख आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो अराउंड भाई कुछ 5.5 लाख आपकी 4 ईयर्स की बीटेक की फीस बैठेगी। ओके, एंड अब बात करते हैं आप लोग के मेन मुद्दे की, विच इज प्लेसमेंट्स। सो यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट जा चुका है 18 लाख इन दिस 2022। बाकी यहाँ की एवरेज प्लेसमेंट हम लोग की 3 लाख to 4 लाख रहने वाली है, मतलब एवरेज प्लेसमेंट भी कुछ सही नहीं है। बाकी CSIT वालों के लिए कॉलेज, ये कॉलेज बेस्ट है, और हम लोग की कोर ब्रांचेज हो गए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उन लोग की मतलब यार कोई प्लेसमेंट हम लोग की देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। ओके, बाकी कोर ब्रांचेज वाले इतने भी स्टूडेंट्स हैं, कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज गेन करके CSIT वालों की कंपनीज में ही अप्लाई कर देते हैं। ओके, सो बात करते हैं फैकल्टी की। सो यार यहाँ की फैकल्टी मतलब एकदम मीडियम लेवल रहने वाली है, उतनी मतलब बहुत ज़्यादा ना अच्छी ना बहुत ज़्यादा खराब, मतलब मीडियम लेवल की फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी। मतलब स्टार्टिंग जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के टीचर्स रहेंगे मतलब बहुत ही नॉर्मल रहेंगे। ओके, बाकी थर्ड और फोर्थ ईयर से यहाँ पे आपको टीचर्स और मतलब मेन जो प्रोफेसर हैं वो आपको IITs और NITs से देखने को मिलेंगे। ओके, तो मतलब कोर ब्रांचेज वाले स्टूडेंट्स हैं वो गेट्स और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के पीछे मतलब जाते हैं, सो उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। और बाकी अगर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बारे में, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सच में हॉस्टल्स वगैरह की मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस कॉलेज का कोई भी तोड़ नहीं है। ओके, क्योंकि यार यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा मतलब ग्रीनरी से भरा हुआ है, और मतलब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा है, फोटोज़ वगैरह गूगल्स में, तो यार सच में मतलब ऐसा ही है। ओके, यहाँ का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोग के लिए। ओके, सो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी बहुत ही बड़ा स्टेडियम, स्पोर्ट्स क्लब, लाइब्रेरी भी बहुत मतलब यहाँ की अच्छी है। सो इन सब कुछ रीजन की वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ पर अगर आपकी रैंक 1 to 2 लाख से ऊपर है तो अब भी आपको CSIT मिल जाएगा, एंड 8 to 10 लाख तक भी यहाँ पर कट ऑफ आपकी जाएगी जेई मेंस की। ओके, सो यहाँ फ्रेंड्स ये कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप इस कॉलेज की साइड मूव करना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अमेजिंग वीडियो। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि यार ऐसी बहुत अच्छे अच्छे फ्लोट्स मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग एंड योर ड्रीम कॉलेज। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।